जय हिंद। आज के पॉइंट टू पॉइंट के सीरीज में आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या 95 साल की उम्र में भी गोल्ड मेडल लाना पॉसिबल है और कैसे एक आत्मविश्वास से भरी हुई महिला जो कि 30 वर्ष की उम्र से पहले ही अपने पति और अपने बेटे को खो चुकी ऐसी ऐसी दुर्दशा में या फिर ऐसे बुरे दिन को से लड़ते हुए आज वो गोल्ड मेडल ला रही है और लोगों के लिए एक उत्साहवर्धन के लिए एक मिसाल की तरह बनी हुई है। ऐसी दादी स्प्रिंटर दादी जिनको लोग प्यार से स्प्रिंटर दादी कहते हैं, तो ऐसी दादी का आज हम पूरा केस स्टडी करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है, कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है, पूरी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका नाम है भगवानी। अब ये भगवान स्वरूप ही एक तरह से मान लीजिए कि भगवान ने कहा है कि हम आपको तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक आप भारत के खाते में गोल्ड मेडल ना पूरे भर दीजिए। तो ये है भगवानी, 95 साल की उम्र है, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है, ये आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये रहने वाली है हरियाणा की। कहाँ की है ये? हरियाणा की रहने वाली है। ये स्प्रिंटर दादी के नाम से मशहूर है और इन्होंने पोलैंड में होने वाले पोलैंड में होने वाले वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स मास्टर इंडोर चैंपियनशिप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है। एक तो 60 मीटर की स्प्रिंट यानी रनिंग में, इसके बाद शॉट पुट यानी गोला फेंक में, और इसके बाद डिस्कस थ्रो जो इसे डिस्क होती है उसके थ्रो में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो 60 मीटर की रेस जो कि 36.59 सेकंड में इन्होंने पूरा की, और इसके बाद 2.93 मीटर का इन्होंने गोला फेंका है और 4.67 मीटर का इन्होंने डिस्क फेंका है। डिस्क लोग चक्का भी बोलते हैं। कितने का? 4.67 मीटर का चक्का फेंका है या डिस्क फेंका है, डिस्कस थ्रो किया है। तो ये दादी जब पहली बार, मतलब कि क्या हुआ कि पिछली बार जब ऐसे ही वो वाला मैच था तो इनसे मीडिया वाले आए पूछे, तो जो पहला मेडल था तो इनको कहां से पदक मिला 100 मीटर वाले में, तो ये बोली कि नहीं ये मेरा नहीं है। इसके बाद शाम को गोल्ड मेडल बोला, हाँ हाँ ये मेरा वाला है, इनको सिर्फ गोल्ड मेडल ही चाहिए। तो दादी की जो वो है ना, मतलब एक्साइटमेंट है या किसी चीज को लेकर जिज्ञासा है, वो बहुत जबरदस्त है। आप इनकी एनर्जी देखेंगे तो मतलब खुद एक्साइटेड हो जाएंगे। इसके बाद इनके बारे में कि इनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, बाईपास सर्जरी के बाद भी ये डेली 6 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं और हफ्ते में दो दिन ये शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस भी करती हैं। इसके साथ साथ ये चिकनाई वाले सामान नहीं खाती है। इनसे पूछा जाता है कि अच्छा आपका सेहत का राज क्या है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है दादी? तो दादी बोलती है हम देसी खाना खाते हैं और देसी खाना ही हमें ताकत देता है, दही वही खाती है, चिकनाई वाली चीजों से ये परहेज रखती है। इसके साथ साथ इनका अगला लक्ष्य है एशियान चैंपियनशिप। एशियान चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडल लाना चाहती है। एक तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी इनके जो कंपटीटर है वो धीरे धीरे सफा होते जाएंगे, सब भगवान को प्यारे होते जाएंगे, तो इनका कंपटीशन जीतना और इजी होता जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक तो इनकी अंदर खूब तो आत्मविश्वास भी भरा है, एक तो हरियाणा की छोरी है वैसे भी किसी से डरती नहीं है, तो इनका जीतना एकदम तय है और इनका कॉन्फिडेंस बताता है कि इनको कोई हरा भी नहीं सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। थैंक यू।